तहसील दही डेंगरिया ग्राउंड में रविवार को 78 गांवों की सामूहिक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी समाज में फैली कुरीतियों जिसके कारण आदिवासी समाज पिछड़ रहा था उस पर कठोर निर्णय लिए गए। दहेज जिसकी राशि लाखों में होती थी उसे कम करके 14,575 किया गया। शादी में डीजे पूर्णतः प्रतिबंध किए गए। पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोलगिये फेफरिये मांदल ही बजाए जाएंगे। शादी में अंग्रेजी शराब पूर्णतः प्रतिबंधित। धाड़िये बकरे पैसे, गाले के पैसे, रिश्ते नाते के पैसे, पढ़ाई खर्चे के पैसे लेना प्रतिबंध किया गया। दू विवाह अधिनियम 1955 से 56 आदिवासियों पर लागू नहीं होता, इसलिए नाबालिग का कोई भी केस थाने पर FIR नहीं करने का निर्णय लिया गया। आपसी विवाद झगड़े भी रूढ़ी ग्राम सभा में खत्म करने का निर्णय लिया गया। मृत्यु उपरांत अनावश्यक खर्चों पर पाबंदी लगते हुए सभी निर्णय रविवार को रूढ़ी ग्राम सभा में उपस्थित रूढ़ी ग्राम सभा अध्यक्ष रामलाल सोलंकी व अलग अलग गांवों के पटेल, गांव डाहला, गांव वारतिया, गांव पुजारा, सरपंच जनप्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से एकमत होकर प्रस्ताव पास किया गया। इस रूढ़ी ग्राम में इंजीनियर लोकेश मुजालदा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि न लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा होती है, साथ ही सभी को संवैधानिक हक अधिकार और रूढ़ी ग्राम सभा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। ये जो आज की ग्राम सभा है ये पारंपरिक रूढ़ीवादी ग्राम सभा है, सबसे बड़ी ग्राम सभा है। इस ग्राम सभा का निर्णय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सरकार नकार नहीं सकती, इतनी पावरफुल ग्राम सभा है। आज बैठे हम लोग है ना, इस ग्राम सभा को हम लोग समझ नहीं पाए, थोड़े दिन अभी तक समझ नहीं पाए, अब धीरे धीरे बैठने लगे। बहुत अच्छा संदेश है। आज आप वर्तमान स्थिति को देख रहे हैं कि इस देश से आदिवासियों को मिटाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। आज सिर्फ ये हमारे रीति रिवाज को जिंदा रखना, साथ ही साथ आदिवासी को जिंदा रखने की बात करने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप लोग सब इकट्ठे हुए हैं। इसलिए हमें जो देश हमारा है वो संविधान से चलता है और संविधान में आदिवासियों को विशेष अधिकार दिए हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपरा बाकी दूसरे लोगों से अलग है, इसीलिए इस देश का आदिवासी आदिवासी है। ये मानते हो आप लोग? क्योंकि हमारा जो रीति रिवाज है आदिवासियों का बाकी दूसरे लोगों से अलग है, हमारी व्यवस्थाएं अलग है, हमारी परंपरा अलग है, इसीलिए हम इस देश के आदिवासी हैं। और इस देश का जो आदिवासी है इस देश का मूल मालिक भी है, ये सुप्रीम कोर्ट का आपको समझना होगा। इस जो आज हम लोग रूढ़ी ग्राम सभा बैठे हैं तो ऐसी ही देश में एक सर्वोच्च कोर्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2011 को जजमेंट दिया था, 5 जनवरी को, ठीक है, 5 जनवरी 2011 को जजमेंट दिया, और उसने ये कहा कि इस देश में रहने वाला 8% आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। ठीक है, तो आप सब मूल मालिक हो, इसलिए आप सभी को जोहार और जय आदिवासी। अब मैं मेरी बात कहना शुरू करूंगा कि ये देश संविधान से चलता है, इस संविधान में बहुत सारी व्यवस्था दी गई है और यही व्यवस्था में हमारे आदिवासियों के लिए एक अलग व्यवस्था दी गई है जिसको रूढ़ी ग्राम सभा बोलते हैं, जो आज यहाँ बैठी हुई है। और ये रूढ़ीगत ग्राम सभा भारत के संविधान के अनुच्छेद 13(3) का में है, काय में है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 13(3) का में है। इसके द्वारा जो फैसला लिया जाता है उसको सरकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी नकार नहीं सकता, इतनी पावरफुल ग्राम सभा है, इसलिए इसको बरकरार रखना है, हमको इसको जिंदा रखना है। आज युवा पीढ़ी भूल चुकी थी कि रूढ़ी ग्राम सभा भी कुछ होती है, लेकिन आप सब पटेल, डाला, गांव सरपंच, प्रतिनिधि सब उपस्थित होकर इसको जिंदा किया, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं आप सभी को इसीलिए दौड़ के आया कि आज मेरा समाज, इस देश का मूल मालिक एक जगह पे इकट्ठा होकर बहुत अच्छा निर्णय लेने जा रहा है।